गुस्से वाले हो जनाब, कोई नहीं, आपका भी दिल से स्वागत है हमारे चैनल जोश जहान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जबरदस्त टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन। इस गुस्से नाम के दुश्मन को आपके जिंदगी से दूर करने का वक्त आ गया है। अब तक जितना आपको खोखला करना था, जितना कमजोर बनाना था, इस गुस्से ने बना दिया। इस वीडियो के बाद ऐसा कोई मौका नहीं देना है जिससे ये गुस्से नाम का कीड़ा आपके लाइफ के खुशी को तहस नहस करने की कोशिश करे। तो चलिए हम और आप दोनों मिलकर इस गुस्से से निपटा जाए। सबसे पहली बात, हमें ये समझना होगा कि गुस्सा होता क्या है और इससे हमें क्या क्या नुकसान झेलना पड़ता है। देखो, गुस्सा को आप एक फीलिंग कह सकते हो। जिस तरह आप खुश होते हो, नाराज होते हो, एक्साइटेड होते हो, जोश आता है आपको किसी काम को करने का, उसी तरह गुस्सा भी इंसानी दिमाग का एक प्रोसेस है। पहले के लोग कहा करते थे कि गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है और गुस्से में लिया गया फैसला इंसान की पहचान को बर्बाद कर देता है। आप खुद इस बात को कभी महसूस करके देखना, जब आप गुस्सा करते हो उस वक्त आपका दिमाग पूरी तरह से गर्म हो जाता है और सबसे पहले ये आपके सोचने की शक्ति को नष्ट करता है। उस वक्त क्या डिसीजन लेना है, क्या सही है, क्या गलत है, इसमें आप फर्क नहीं कर पाते, जिसका परिणाम यही होता है कि बिना सोचे समझे आप कदम उठा देते हो और न चाहते हुए भी वो कर बैठते हो, जिससे पूरी जिंदगी आपको पछतावा होती है कि काश उस वक्त मैंने ये फैसला नहीं लिया होता, तो आज वो सिचुएशन मेरे कंट्रोल में होता, वो रिलेशनशिप बच जाता, वो इंसान जो गुस्से की वजह से आज हमसे परेशान है, हमसे दूर है, वो मेरे पास होता, मेरे माँ बाप, मेरे परिवार वाले आज इतना नाराज रहते हैं मुझसे, इसका वजह कहीं ना कहीं मेरी गुस्सा ही है। इसके बावजूद और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जिसे मैं एक श्लोक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। गौर से सुनना, लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। क्रोध मूलो मनस्तापा, क्रोध संसार बंधनात्, धर्मक्षय करह क्रोधा, तस्मात् क्रोधम परित्यज्य। इस श्लोक में तीन पावरफुल बातें कही गई है, जिसे मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात, क्रोध मूलो मनस्तापा। गुस्सा का डीप और मेन पर्पस होता है आपके मन के ताप को हरना, मन की शांति को हर लेना। एक कहावत सुने हो ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से सोच लो तो हार जाओगे और मन में ठान लो तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ श्लोक कह रहा है कि गुस्सा आपके मन के ताप को ही सबसे पहले हर लेता है। दिमाग के सोचने की शक्ति, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी सबको नष्ट कर देता है। सोचो, अगर किसी कंप्यूटर से उसके सीपीयू को ही नष्ट कर दिया जाए तो वो कंप्यूटर कैसे काम करेगा, या फिर किसी मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर में वायरस डाल दिया जाए तो क्या वो मोबाइल ज्यादा दिन तक चल पाएगा। उसी तरह गुस्सा काम करता है, हमारे दिमाग में एंटर करता है और सबसे पहले हमारे प्रोग्रामिंग सिस्टम को डिफ्यूज कर देता है और हम न चाहते हुए भी गलत पर गलत कदम उठाने लगते हैं। दूसरी बात जो इस श्लोक में कही गई है, क्रोध संसार बंधनात्। गुस्सा आपको अटैच कर देता है लोगों से। इसे मैं एक छोटी से एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बार एक विद्यार्थी ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं उस वक्त हम इतने जोर जोर से क्यों बोलते हैं, जबकि वो इंसान हमारे पास में होता है, चिल्लाकर उसे बोलने का प्रयास क्यों करते हैं। गुरुदेव ने बड़ा सटीक जवाब दिया, देखो बेटा, जब आप किसी से गुस्सा होते हो तो वो इंसान भले आपके पास होता है लेकिन वो आपके दिल से काफी दूर चला जाता है, इसलिए आप जोर से आवाज देकर उसे बुलाते हो। समझ रहे हैं आप हमारी बातों को। कहने का मोटिव यही है कि जब आप गुस्सा करते हो तो वो इंसान आपके पास होते हुए भी आपसे बहुत दूर चला जाता है। श्लोक के दूसरे पॉइंट का अर्थ भी यही है, जब आप किसी पे गुस्सा करते हो तो वो इंसान हमारे दिल से काफी दूर चला जाता है। न उसकी अच्छाइयाँ हमें याद रहती है, न उसके साथ बिताया गया सुनहरा पल, सिर्फ और सिर्फ याद रहता है तो उसकी गलती जो आपके गुस्से का कारण बनती है। एक और चीज घटित होता है, चाहे आप उसे दिल से दूर कर देते हो लेकिन बदले की भावना हमेशा दिमाग में चलती रहती है। कैसे भी करके उस इंसान से बदला लेना है, उसने मेरी बात नहीं मानी थी, अब देखो मैं क्या करता हूँ, बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उससे साइकोलॉजिकल अटैच हो जाओगे और चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ गुस्सा करके किसी को बर्बाद तो आप बाद में करोगे, लेकिन सबसे पहले खुद बर्बाद हो जाओगे। जिस तरह आग दूसरे को जलाने की कोशिश करता है तो उसको सबसे पहले खुद को जलाना पड़ता है, तब जाकर वो दूसरों को जलाता है। इसलिए गुस्से को जितना जल्दी हो सके कंट्रोल करो। तीसरा पॉइंट जो इस श्लोक में कहा गया है, वो है धर्मक्षय करह क्रोधा। गुस्सा आपके धर्म की क्षति कर देता है। एक बात बताओ, आप खुद को क्या मानते हो, इंसान, राइट? इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? इंसान का सबसे बड़ा धर्म और पहला कर्तव्य होता है खुद का निर्माण करना, खुद को एक बेहतरीन इंसान बनाना, दुनिया से अलग पहचान बनाना। जब आप खुद पर ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे, खुद के गुस्से को ही नहीं काबू कर पाओगे तो दुनिया को कैसे जीतोगे यार? जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जीत सकता उसे दुनिया जीतने का कोई हक नहीं है। श्लोक के तीसरे पॉइंट का मोटिव भी यही है, धर्मक्षय करह क्रोध। क्रोध धर्म की क्षति करता है। आप एक विद्यार्थी हो या फिर कहीं काम करते हो, कोई जॉब करते हो, उसके बावजूद आप एक अच्छे बेटे हो, किसी के भाई हो, पति हो, मित्र हो, पिता हो, आपका एक धर्म नहीं है, आप अनेक धर्मों से जुड़े हुए हो। माँ बाप पर गुस्सा करते हो तब भी आप अपना धर्म भूलते हो। माँ बाप भोजन देते हैं, स्कूल फी देते हैं, आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं,
उससे भी बड़ा यार आपको इतना बड़ा किया है जन्म देकर। आपकी हर छोटी छोटी बातों का वो ध्यान रखते हैं। क्या उनकी इच्छा नहीं होती कि आप उनसे प्यार से बात करें? क्या वो नहीं चाहते कि मेरा बेटा अपने गुस्सा को थोड़ा कम कर ले, अपने खून को न जलाए? बिल्कुल चाहते हैं, पर आपको अपने धर्म पर अडिग रहना पड़ेगा, तभी उनकी इच्छाएं पूरी होगी और गुस्से से खुद को दूर करना पड़ेगा। पत्नी पर गुस्सा करते हो, दोस्तों पर गुस्सा करते हो, अपनी खराब परिस्थितियों से नाराज हो जाते हो, कोई चीज तुम्हारे अनुकूल नहीं चलता उसके लिए भी गुस्सा करते हो, फोन किसी ने गिरा दिया उसके लिए भी गुस्सा, बिजली 2 दिन से नहीं आ रही उसके लिए भी गुस्सा हो जाते हो, कोई मोबाइल चार्ज से निकाल दिया उसके लिए भी नाराज हो जाते हो। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी आज एक कॉमन चीज बनती जा रही है। किसी ने 1.5 GB खत्म कर दिया उसके लिए भी तुम्हारा पारा हाई हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, इस धरती पर आपके अनुसार कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि मैं हर चीज बदल दूंगा तो ये आपका भ्रम है। जितना जल्दी हो सके अपने आप को इस गुस्से नाम के कीड़े से दूर करो। अरे बदलना है तो गुस्से को मेहनत में बदलो ना। बार बार गुस्सा करने से अच्छा है बार बार मेहनत किया जाए, जिससे नशा भी सफलता की लगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि गुस्सा पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप प्रयास करते हो तो बहुत हद तक आप इस पर कंट्रोल पा सकते हो। गुस्सा होने के हमने 3 सबसे बड़े नुकसान के बारे में जाना। पहला, गुस्सा आपके मन की शांति को हर लेता है, ब्रेन के प्रोग्रामिंग सिस्टम को तहस नहस कर देता है। और दूसरा, जब आप किसी पर गुस्सा करते हो तो दिल से तो वो इंसान दूर चला जाता है, लेकिन दिमाग में हमेशा आपके बैठा रहता है, आप उस इंसान से अटैच हो जाते हो। तीसरा, ये आपके धर्म की क्षति करता है, जिसमें हमने बात किया आपका प्रथम धर्म खुद का निर्माण करना है, खुद को सही बनाना है, माँ बाप भाई बहन दोस्त इन सब पर सोच समझ कर गुस्सा करना है। अब बात करते हैं कि गुस्सा शांत कैसे करें। इसके 2 तरीके हैं, पहला समझ और दूसरा सचेत होना। समझ हमें इस चीज की होनी चाहिए कि गुस्सा हमें क्यों आता है। गुस्सा हम इसलिए करते हैं कि हमें लगता है कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो अगला इंसान हमारी बातों से एग्री हो जाएगा। अगर मैं किसी पर गुस्सा करता हूँ, चिल्लाकर बातें करता हूँ, ओए तुम्हें समझ में नहीं आता, कितनी बार समझा चुका हूँ, ये काम मत करो, मुझे पसंद नहीं है, मम्मी कितनी बार बोल चुका हूँ, सुबह मत जगाया करो, नींद पूरी नहीं होती, क्लासरूम में सोने लगता हूँ, कब समझिएगा आप ये बातों को, ये सब एक्टिविटी क्या है? ये सब एक्टिविटी बताती है कि आप अंदर से कितने कमजोर हो, एक गुस्से से अपने आप को कैसे बर्बाद कर ले रहे हो। जो इंसान एक छोटी चीज के कंट्रोल में आ जाएगा वो दूसरे को कैसे कंट्रोल कर सकता है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप गांधी जी बन जाओ, गुस्से को पूरी तरह से त्याग दो, गुस्सा खत्म तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन इसकी रियलिटी को समझकर हम इसको नजरअंदाज कर सकते हैं। प्यार से बात करके गुस्से को इग्नोर कर सकते हैं। गुस्सा आए तो इंस्टेंट रिएक्शन मत दो, थोड़ा वेट करो, बातों को जरा बारीकी से समझो। गुस्से में डिसीजन लेना यानी खुद को बेवकूफ समझना, और आप तो बेवकूफ हो नहीं, इसलिए मन से ऊपर उठकर उस वक्त अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके समझो कि गुस्सा क्यों आ रहा है और मैं इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। दूसरी बात है सचेत होना। जब आपको समझ में आने लगेगा कि गुस्सा क्या है और क्यों आ रहा है, तब आप दूसरा कदम बढ़ाओ, सचेत हो जाओ। सचेत होने का मतलब क्या है? अपने विवेक का इस्तेमाल करके खुद को आगे बढ़ने से रोकना, यही सचेत होता है। इतना भी गुस्सा है आपके अंदर, अपने आप से कहो कि गुस्सा मेरा दुश्मन है और मैं इसकी एक भी बात नहीं मानूंगा। जो मेरे अंदर बैठकर मुझे ही खोखला कर रहा है, वैसी चीजों की बातों को मैं क्यों सुनूं? मेरा कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे किसी भी बातों को मानने का। यार अगर ये सब भी नहीं कह सकते तो सिर्फ इतना तो खुद को कन्विंस कर सकते हो ना, जब भी गुस्सा आए 10 मिनट खुद को आगे बढ़ने से रोको। जी हाँ, ये फॉर्मूला सटीक बैठने वाला है। जब भी आपको गुस्सा आए और डिसीजन लेने का मन करे तो पहले अपने आप को 10 मिनट रोको, खुद को कन्विंस करो कि मुझे 10 मिनट तक कोई रिएक्शन नहीं देना है, इस गुस्से में सिर्फ खुद को रोकना है। 10 मिनट अगर खुद को रोक लोगे, 10 मिनट उस बातों को नजरअंदाज कर दोगे, तो देखना 10 मिनट बाद जब आप दोबारा उस गलती के बारे में सोचोगे या फिर उस गुस्से के बारे में सोचोगे तो आपके सोचने और समझने का नजरिया बदल गया होगा। एक सही रास्ता 10 मिनट बाद आपको दिखाई देने लगेगा, और आप उस 10 मिनट के वेटिंग के बाद आप खुद को कहोगे कमाल हो गया, ये गुस्सा का कॉन्सेप्ट तो पूरी तरह से खत्म हो गया। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिसे आप अप्लाई करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे सबसे पहला पॉइंट है ठंडा पानी पीना। जब भी आपको गुस्सा आए 1 ग्लास ठंडा पानी पियो, उस वक्त आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। जब भी गुस्सा आए किसी प्यारे मोमेंट के बारे में याद करो, जिस इंसान पर आप गुस्सा कर रहे हो उसके अच्छाइयों को भी एक बार याद करो कि उसने मेरे साथ ये भी अच्छा काम किया था, तब भी कुछ ना कुछ हद तक आपका गुस्सा शांत होगा। और छोटी मोटी गुस्सा के बारे में क्या कहना, उसे नजरअंदाज किया करो। यार जिंदगी में बहुत चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, तो कुछ चीजों को नजरअंदाज करो, कुछ चीजों को इग्नोर करो, आगे बढ़ते रहो। उम्मीद है इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में जो कहना चाह रहा था वो भी आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करो इस वीडियो को हर उस इंसान के पास जो काफी गुस्सा करता है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद उसका गुस्सा कम हो जाए। और ऐसे ही प्यार बनाए रखने के लिए, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।